डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैराग्राफ राइटिंग में माई स्कूल पहले करेंगे। ये आपका एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तीन पैराग्राफ आते हैं और तीन में से एक करना आता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा माई स्कूल। पेज नंबर आपका वन है इंग्लिश बी की बुक का। माई स्कूल इज अ प्लेस ऑफ ग्रेट चार्म। चार्म कहते हैं पुरकशश। फॉर मी मेरे लिए, मेरा स्कूल मेरे लिए एक पुरकशश जगह है। ऑल्दो अगरचे इट्स बिल्डिंग इसकी इमारत इज प्रीटी ओल्ड। प्रीटी ओल्ड बहुत पुरानी। अगरचे इसकी इमारत बहुत पुरानी है। इट सीम्स टू कास्ट अ स्पेल ऑन अस। ये हम पर जादुई असर रखती है। Some of the walls are massive. Massive बड़ी, कुछ दीवारें बड़ी हैं। And ceilings are very high और छत बहुत ऊंचे हैं। Even the cruel summer fails, यहाँ तक के सख्त गर्मी का मौसम नाकाम हो जाता है। To make our classrooms hot and humid, हमारी जमात के कमरों को गर्म और नमदार करने में। The location of my school is just by the side of the historic fort. मेरा स्कूल तारीखी किले के महल्ले कू में वाक़ है या तारीखी किला के साथ वाक़ है। The high walls of the fort, किले की ऊंची दीवारें scared with signs of wind and weather, उस पर हवा और मौसम के निशानात look wonderful, वो हैरत अंगेज हद तक दिखाई देते हैं। यानी किले की बड़ी दीवारों पर या ऊंची दीवारों पर आबोहवा और मौसम के जो निशान हैं वो हैरत अंगेज दिखाई देते हैं। देर है मिस्ट्री ऑफ देयर ओन, उनके अपने ही राज हैं। वी अंडरस्टैंड अवर हिस्ट्री लेसन वेरी वेल। वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं अवर हिस्ट्री लेसन, अपना तारीख का सबक वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह। बिकॉज ऑफ द नियरनेस टू द फेमस फोर्ट, मशहूर किला के करीब होने की वजह से। हम अपना तारीख का सबक मशहूर किला के करीब होने की वजह से बहुत अच्छी तरह समझते हैं। द टीचिंग स्टाफ एट माई स्कूल इज काइंड, मेरे स्कूल का पढ़ाने वाला जो स्टाफ है वो बहुत मेहनती है एंड डिवोटेड और लगन वाला है। A large playground with a row of evergreen tall trees faces the school building. स्कूल की इमारत के सामने एक बड़ा खेल का मैदान है जिसमें सरसब्ज दरख्तों की कतारें हैं। What is more, इससे बढ़कर क्या, it is away from all the hustle and bustle of the main road. ये मेन रोड की गहमा गहमी से दूर है, यानी शोरगुल से दूर है। I am glad, मैं खुश हूँ। That my school is far ahead, कि मेरा स्कूल बहुत आगे है of others, दूसरों से। In good results, अच्छे नतायज में, sports खेलों में, debates best बासे में, library and scouting और scouting में। मैं खुश हूँ कि मेरा स्कूल अच्छे नतायज sports खेलों बेस वासे लाइब्रेरी और स्काउटिंग में बहुत आगे है। इसके साथ आपने पैरा वर्ड्स करने हैं पांच। ये भी आपका बोर्ड में पांच नंबर का क्वेश्चन आता है। आठ आते हैं और पांच करने होते हैं। पेज नंबर है 177। पहला वर्ड है अफेक्ट, असर करना। दिस इंसिडेंट डिड नॉट अफेक्ट हिज हेल्थ, इस वाक्य का उसकी सेहत पर कुछ असर ना हुआ। इफेक्ट असर, इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम, इसका उस पर कोई असर नहीं। सेकंड है एडवाइस, नसीहत। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे अच्छी नसीहत की। दूसरा वर्ड है एडवाइस, नसीहत करना। ही एडवाइज मी नॉट टू मिस माई क्लासेस, उसने मुझे नसीहत की कि मैं अपनी क्लास से गैर हाजिर ना हूं। नंबर थ्री है आल्टर, बदलना।
वी कैन नॉट फोर्स हर टू आल्टर हर माइंड, हम उसे उसका जहन बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते। आल्टर कुर्बान का, पीपल ब्राट द एनिमल्स टू द आल्टर फॉर सेक्रीफाइस, लोग कुर्बानगाह की तरफ जानवरों को कुर्बान या ज़िबा करने के लिए लाए। ऑल टुगेदर, बिल्कुल कतई या मजमू तौर पर। इट इज़ ऑल टुगेदर रॉन्ग, यह बिल्कुल कहना गलत है। टू से डैट शी केम हेयर यस्टरडे, कि वो कल यहाँ आई थी। ऑल टुगेदर, इकट्ठे। दे वेंट टू वॉच द मूवी ऑल टुगेदर, वो इकट्ठे मूवी देखने या फिल्म देखने गए। एंजल, फरिश्ता। अल्लाह सेंट हिज मैसेज थ्रू एंजल्स, अल्लाह ताला ने अपना पैगाम फरिश्तों के जरिए भेजा। एंगल जाविया, अ ट्राई एंगल हैज थ्री एंगल्स, एक मुसलस के तीन जाविये होते हैं। तो ये एक आपका पैराग्राफ है माई स्कूल, और उसके साथ पांच आपके पैरा वर्ड्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है, इनको लिखना है और मिस्टेक्स आपने चेक करनी है। अस्सलामुअलैकुम।